हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्क डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बच्चे उनमें अक्सर गलतियाँ करते हैं तो स्टार्ट करते हैं टाइम मिलते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच सब एटोमिक पार्टिकल इज आपसेंट इन ऑर्डनरी हाइड्रोजन आइटम तो ऑर्डनरी हाइड्रोजन आइटम में कौन सा सब एटोमिक पार्टिकल अपसेंट होता है ठीक है तो हाइड्रोजन आपका वन वन होता है ठीक है सो न्यूट्रॉन इसमें एबसेंट होता है इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटोन होगा लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा ओके क्वेश्चन नंबर टू जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड सब एटोमिक पार्टिकल विच हैज़ नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटोन जेम्स शेडविक ने एक सब एटोमिक पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसका जिसपे कोई चार्ज नहीं था और जिसमें जो मास था वो प्रोटोन के बराबर था नेम द पार्टिकल उसका नाम बताना है और लोकेशन कहाँ वो होता है द पार्टिकल इज़ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ओके okay? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इसका मास प्रोटॉन के बराबर होगा और न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इज इट पॉसिबल फॉर एन आइटम टू एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट टू हैव वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटोन एंड नॉ न्यूट्रॉन क्या किसी एलिमेंट के आइटम में ये पॉसिबल है कि वन इलेक्ट्रॉन हो वन प्रोटोन हो पर कोई न्यूट्रॉन ना हो ये यह सबने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन आइटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ एन इलेक्ट्रॉन एट्रीब्यूट नेगेटिव चार्ज प्रोटोन एट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है एन एटम हैज़ बोथ एक एटम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं बट वाई देर इज़ नो चार्ज लेकिन एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों एक एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटोन अगर हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है तो दोनों चार्ज आपस में इक्वल कैंसिल कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएगा आपका ठीक है एटम आपका न्यूट्रल होगा द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता, होता है इक्वल होता है बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कैंसिल कर देगा जिससे एटम पे कोई चार्ज हो नहीं होगा और न्यूट्रल हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विग्रेशन ऑफ एलिमेंट हुज एटोमिक नंबर इज ट्वेल्व अब ट्वेल्व एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ओके सेकेंड में एट इलेक्ट्रॉन आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और लास्ट में कितने आएंगे टू सो टू एट और टू इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विग्रेशन होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स ट अंडरस्टैंड बाई ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम एटम की ग्राउंड स्टेट सब क्या समझते हो द एटम एटम वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर दियर लोवेस्ट एनर्जी लेवल कॉल्ड ग्राउंड स्टेट तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है ये हाईस्ट एनर्जी लेवल है ठीक है अगर लोवेस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंथ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एन सेल एन सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको हम बताने वाले हैं क्या फॉर्मूला है टू एन स्क्वेयर ओके टू एन की वैल्यू कितनी है फोर तो फोर का स्क्वायर कितना होगा सिक्सटीन सिक्सटीन टू सा थर्टी टू तो थर्टी टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके सेल में ओके थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एलिमेंट एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे विच कन्टेंट फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन एंड सिक्सटीन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिफ्टीन है और न्यूट्रॉन सिक्सटीन है तो कोई एक्स एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं नीचे और दोनों का एड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एड लिख दोगे ऊपर तो थर्टी वन एक्स थर्टी वन ये आपका आंसर आएगा ये इस तरीके से आपको लिखना नहीं इस तरीके से लिखना फिफ्टीन आएगा आगे नीचे और ये रहेगा आपका थर्टी वन विच इज़ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट कंटेंस थ्री प्रोटोन एंड फोर न्यूट्रॉन सो वैलेंसी ऑफ हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन से निकालते हो सो so, थ्री का क्या बनेगा टू एंड वन फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सेकेंड में वन तो वन होना चाहिए यहाँ पे एट तो सेवन ले नहीं सकता लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इजीली ये डोनेट कर सकता है तो वन इसकी वैलेंसी होगी ओके क्वेश्चन नंबर टेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर आइसोटोप्स आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटोमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट हो सकता है सो so, फर्स्ट में एटोमिक नंबर कितना है ये फर्स्ट के दो डिजिट हैं ये एटोमिक नंबर है ओके लाइक नाइनटी एट और इधर में भी सॉरी इसमें आपका एक्स के साथ एट्टी फोर और एक्स के साथ एट्टी फोर तो इनके जो साथ में लिखे हुए हैं वो आपके एटॉमिक नंबर है दोनों में एट्टी फोर है तो ये आइसोटॉप का पेयर है इसमें नाइन्टी है और ये नाइन्टी वन है तो ये आइसोटॉप का पेयर नहीं है ठीक है आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस एंड दिस दो एलिमेंट्स हैं आपके पास विच इज केमिकली मोर रिएक्टिव एंड वाई तो एक्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने आप बताओ सेवनटीन है दिख रहे हैं सेवनटीन वाई में कितने हैं एटीन ओके इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन, करोगे तो टू एट सेवन इसका कितना होगा वाई का टू एट एट तो वाई की वैलेंसी क्या है जीरो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना ये लेगा बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और एक्स में आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है सेवन तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसकी वैलेंसी वन है तो वाई में वाईक रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो है एक्स की वैलेंसी वन है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा ठीक है तो आप क्या लिखोगे एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई बिकॉज एक एक्स हैज़ वन वैलेंसी एंड वाई हैव है नो वैलेंसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर आउटरमोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द आइटम ऑफ द एक्स एलिमेंट एक्स एलिमेंट है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितना वन प्रेजेंट है वाट विल द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन तो अगर वन बाहर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा दे देगा एक वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन देने पे कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव और लेने पे कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमोट फ्रॉम द आउटर सेल अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे एक्स में से तो इस पर चार्ज क्या आएगा वन पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन दिया है इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आता है और लेने से नेगेटिव चार्ज आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको रीड करके समझना है आंसर ज़्यादा लेंगे नहीं बट क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है देखो इन दिन एलिमेंट एक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर तो बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स ठीक है इफ़ इट एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ्रेशन तो नोबल गैस कॉन्फ्रेशन वो होते हैं बच्चों जिनका आउटर टू एट एट कंप्लीट होता है बाई एक्सेप्टेड रिक्वेसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इसको एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन लेना है यहाँ पे पूरा एट करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा दो दो इलेक्ट्रॉन लेके इस पर दो दो माइनस चार क्योंकि इसको अगर नोबल गैस की तरह बनना है तो उसको यहां पे आठ इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे और आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं और लेने से चार्ज आता है माइनस में ठीक है जैसे एग्जाम्पल है आप, आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना होता है एट ओके वन सेकेंड ऑक्सीजन पे एटॉमिक नंबर एट है तो टू और सिक्स हो गया इसको एट करना है, तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन तो दो लेगा तो टू तो नेगेटिव आ जाएगा ठीक है अच्छे से इसको समझ लेना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गिव टू इंपोर्टेंट एप्लीकेशन रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के दो एप्लीकेशन यूज क्या है नंबर वन आइसोटोप ऑफ कार्बन ट्वेल्व एंड कार्बन फोर्टीन इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग क्या होता कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के नीचे हजारों लाखों साल पहले कभी दब गया होगा उसको निकाल कर इस आइसोटोप के इस्तेमाल से उसकी एज कितने साल पुराना है ये हम उसकी एज का पता लगाते हैं इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग ओके इस आइसोटोप के यूज से कार्बन फोर्टीन से हम उस एलिमेंट की एज का पता लगाते हैं कितने साल पुराना है इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग ओके एंड यूरनियम थर्टी फाइव टू थर्टी फाइव इज़ यू न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहां बिजली बनाने के लिए यूरेनियम आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं ठीक है इनको जला इसकी रोड्स आती हैं, रोड को जला के वाटर को गर्म करते हैं और वाटर को गर्म करके हीट करके भाप बना के ट्रवाई से गुजारते हैं जिससे बिजली बनती है ठीक है नेक्स्ट विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन हैवी वाटर प्रेजेंट इन हैवी वाटर तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप हैवी वाटर में होता है ठीक है ये है आपका H1 वन एंड टू ये इस तरीके से लिखा है लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है जो H के साथ वन लिखा है वो नीचे लिखना है जो पहले टू लिखा उसको ऊपर ओके तो हैवी वाटर का आइसोटोप है ये ठीक है ये हैवी वाटर में आइसोटोप मिलता है हाइड्रोजन के थ्री आइट आइसोटॉप्स होते हैं ये भी समझ लो आप कौन कौन से अगर ये एच हाँ आपके तीन हैं तो ये वन वन होगा वन टू और वन थ्री इन तीनों का नाम है प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रीटियम ठीक है लेकिन ये ये वाला जो आइसोटोप है वन और टू ये हैवी वाटर में प्रेजेंट होता है ओके ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड सिक, सिक्सटीन अमंग थ्री आइसोटोप हाइव हाइड्रोजन अभी मैंने आपको बताया ड्यूटेरियम फाउंड वो सेकेंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉरी केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट इज दिस एम फिर मीन्स कोई मेटल है वाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड अब आपको ये होना चाहिए ये मेटल है और यह सल्फेट है ओके सल्फेट पे चार्ज होता है टू माइनस यहाँ पे लिखा तो एम पे भी टू प्लस होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू से टू कट गया तो एम एस फोर आ गया मतलब एम की वैलेंसी वन है और इसको क्लोराइड के साथ अगर बनाओगे क्लोरीन का कितना कित, कित, कितना होता है सॉरी एम की वैलेंसी टू है क्लोरीन की वन होती है क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है सेवनटीन ओके तो आप जानते हो इसका बनेगा टू एट और सेवन तो वन वैलेंसी है तो वन वैलेंसी को क्रॉस करोगे तो बनेगा ये एम सी एल टू एम सी एल टू इसका आंसर है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एन एलिमेंट ए हैज़ अ वैलेंसी थ्री वैलेंसी कितनी थ्री है अनादर एलिमेंट हैज़ वैलेंसी माइनस टू ए की वैलेंसी थ्री है पॉजिटिव में और बी की वैलेंसी कितनी है टू है माइनस में गिव द फॉर्मूला ऑफ दियर कंपाउंड तो आप जानते हो भाई ए की वैलेंसी कितनी है थ्री बी की कितनी है टू इनको जब क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा ए टू और बी थ्री ए टू और बी थ्री ओके तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा देख लो मैंने कैसे बताया ए की वैलेंसी थ्री है बी की वैलेंसी टू है क्रॉस कर दोगे तो ए टू बी थ्री आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स इज थ्री एक्स एलिमेंट की वैलेंसी थ्री है फार्मूला इसका बनाना ऑक्साइड ox के साथ तो आप बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी तो होती है टू होती है बिकॉज ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर एट होता है ओके सो टू और सिक्स तो दो वैलेंसी इनको क्रॉस कर लो आप जानते हो एक्स टू वो थ्री आ जाएगा ठीक है वैलेंसी के से आप किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विल क्लोरीन थर्टी फाइव थर्टी सेवन क्लोरिन के दो एलिमेंट्स हैं थर्टी फाइव और थर्टी सेवन हैव डिफरेंट बैलेंसीज क्या दोनों के वैलेंसी सेम होती हैं नहीं क्योंकि मैंने बताया क्लोरीन कोई भी हो इनका एटॉमिक नंबर सेवनटीन होता है सॉरी और ये थर्टी फाइव है और ये थर्टी सेवन है दोनों आइसोटोप हैं क्लोरीन के पर दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है सेवनटीन है तो एटॉमिक नंबर से ही हम क्या निकालते हैं वैलेंसी तो अगर वैलेंसी टू एट सेवन करके निकालेंगे तो बैलेंस ही क्या दोनों की वन होगी सो दोनों का बैलेंस डिफरेंट नहीं होगी सेम बैलेंसी होगी ओके okay? आइसोटॉप बैलेंस ही सेम होती है नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन आर ट्वेंटी एंड एटीन आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है ट्वेंटी और कैल्शियम का के कितना है एटीन एटीन और ट्वेंटी अब क्या करना है बट मास ऑफ बोथ आर फोर्टी दोनों का मास इसका भी मास फोर्टी है मास को ऊपर लिखते हैं दोनों के एटोमिक नंबर क्या हैं अलग अलग हैं लेकिन मास सेम है तो उनको हम क्या बोलते हैं आइसो किसी भी आइसो बार में एटोमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है ओके मास नंबर इनका सेम है तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट अब हम कुछ को शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम आपको कैसे पता कि न्यूक्लियस एटम से बहुत छोटा होता है अब एटम अगर इतना बड़ा तो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कैसे आपको पता चलेगा तो वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है यहाँ पे रदर फोल्ड ऑब्जर्व रदर ने बताया था वेन अल्फा पार्टिकल वर बॉम्बार्डेड ऑन अ वेरी थिन फॉल गोल्ड फॉयल पे जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम किया था तो ज़्यादातर तो सीधे से ले गए थे कुछ टकरा के बहुत कम वापस आए थे ओके बट द नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बाउंसिंग बैक गोट डबल्ड वैन ही डबल्ड द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉयल जब उन्होंने गोल्ड फॉयल की सोने की पन्ने की मोटाई को बढ़ाया डबल कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक थे उनका नंबर डबल हो गया ज़्यादा टकरा के वापस आने लगे देन कंक्लूडेड दैट एरिया ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल तो उन्होंने ये कि एरिया न्यूक्लियस का बहुत छोटा है कंपेजन टू टोटल एरिया ऑफ एटम एटम का एरिया बहुत ज्यादा है पर न्यूक्लियस का एटम एरिया बहुत छोटा है ओके okay? तो आंसर क्या रहेगा उन्होंने डबल थिकनेस की थी गोल्ड फॉयल की नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ कैनल रेज कैनल रेज एक्चुअल में हम प्रोटोन को बोलते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैनल रेज आर डिफेक्ट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करते हैं डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ कैथोड रेज ओके दे कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर होता है और फर्स्ट क्या था मैग्नेटिक फील्ड को ये डिफ्लेक्ट करता है क्वेश्चन नंबर थ्री और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन पॉजिटिव चार्ज सोडियम अब ये एन है तो बच्चों एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेवन अब एन ए प्लस है प्लस है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो यहां कितने टेन इलेक्ट्रॉन रह गए तो टेन का जब करोगे तो टू और एट रहेगा एन ए का तो इलेवन होता है तो टू एट वन हो गया लेकिन एन ए प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना तो यहाँ पे दस ही बचे होंगे तो हमें दस का करना पड़ेगा तो टू एट बचेगा ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस आइटम इस टू एट फाइव गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पी थ्री आयन वही सेम बात है फॉस्फोरस का फाइव है लेकिन इसने थ्री एट पी माइनस थ्री है ना ती, तीन इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे तो फॉस्फोरस के कितने हो गए पहले आ, तीन लेने के बाद टू एट एट हो जाएगा ठीक है फॉस्फोरस का होता है तीन इलेक्ट्रॉन ले लिए लेने से तीन आइटम इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो एट कंप्लीट हो गया जो 5 था पहले 8 बन गया नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम का थर्टीन है क्लोरीन का सेवनटीन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल सेम बात है एल्यूमिनियम में होते हैं थर्टीन और इस थ्री इसने दे दिए तो थर्टीन में से थ्री इसने दे दिया क्योंकि प्लस लगाया तो मतलब तीन दे दिए तो कितने बचे टेन बचे ठीक है और क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है तो क्लोरीन का सेवनटीन होता है एक इसने लिया होगा अगर माइनस चार्ज है तो इसके हो गए एटीन प्लस चार्ज, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो माइनस करना पड़ेगा और माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो वो आपको प्लस करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरिन आइटम क्लोरिन का आपको बताना है सेवनटीन मैंने आपको पहले बता सको टू एट सेवन होता है ओके हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन एल सेल तो फर्स्ट सेल होता है के फिर एल फिर एम तो के में कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन हैं एल में कितने हैं एट और एम में एन में कितने हैं के एल एम एन में हैं सेवन तो एल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन हैं आपके एट के एल एम एल एम एल है आपका सेकेंड वाला सेकेंड में एट इलेक्ट्रॉन है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझ के करना है और कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है देखो जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके okay? विच इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विद एटम तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल ऑफ एटम आर नॉन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केमिकल बॉन्ड फॉर्म ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऐटम टेक पार्ट सो सिर्फ बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है जैसे टू एट सेवन है था क्लोरिन का सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर एट वाई डू हीलियम नियन आर्गन हैव जीरो वैलेंसी अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर है आपका टू तो टू कंप्लीट है Neon का कितना होता है टू एट हो गया आर्गन का कितना होता है एटीन तो टू एट एट हो गया ठीक है तो इनके वैलेंसी जीरो है बिकॉज इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है लिखो हीलियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स एनर्जी लेवल हीलियम में टू होते हैं बाहर आर्गन हैज़ एट इलेक्ट्रॉन्स आर्गन और नियन में दोनों में एट एट होते हैं इन दियर वैलेंस सेल एज दीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस सेल और बाहर मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन एट ही होते हैं और एट उनके पूरे होते हैं दे डो नाट हैी टेंडेंसी टू कम्बाइन विद अदर एलिमेंट और उन पर कोई टेंडेंसी नहीं होती ऑक्टेट आउटर मोस्ट में अगर एट इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीट हैं या टू हैं तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे इसलिए उनकी बैलेंसी क्या होगी जीरो जीरो बैलेंसी का मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा और ना देगा क्योंकि उनका ऑप्टेक्ट पहले से ही कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर नाइन हीलियम एटम हैज टू इलेक्ट्रॉन हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल ठीक है इन इट्स वैलेंस बट वैलेंसी इज नॉट टू वैलेंसी नहीं है क्योंकि बाहर सेकेंड सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन अलाउड होते हैं वो कंप्लीट है पूरा है इसे ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा हीलियम एटम है टू इलेक्ट्रॉन इट्स बैलेंस है एंड इट्स डुप्लेट्स इट्स कंप्लीट और उसकी जो वैलेंसी कंप्लीट है तो वैलेंसी क्या होगी इसकी जीरो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ द एटम प्रेजेंटेड बाय वन एंड टू ए एंड बी तो बच्चों इसमें वन टू आउट बैलेंसी हम चेक करते हैं आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है तो कंप्लीट है तो वैलेंसी क्या रहेगी एक ही ज़ीरो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन है तो इसे एक लेना पड़ेगा तो वैलेंसी इसकी कितनी होगी वन ओके अच्छे से इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर इलेवन आइडेंटीफाई एन ए प्लस तो बच्चों एन ए प्लस ऑफ द फॉलोइंग फिगर वट विल बी द बैलेंसी ऑफ सोडियम एटम एन ए प्लस इनमें से कौन सा है तो एन ए प्लस मैंने बोला एन ए के आइटमिक नंबर होता है एलेवन लेकिन प्लस है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस इसने दिया होगा तो अब कितना रहेगा यहाँ पे टेन तो टेन किस में है बताओ अंदर होंगे दो और बाहर होंगे एट यहाँ पे इसमें चेक करो दो ये कंप्लीट है ये सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है देखो फिगर नंबर टू इज करेक्ट बिकॉज सोडियम एन ए प्लस इज फाउंड इलेवन में से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो टोटल कितने बचे टेन और टेन सिर्फ सेकंड फिगर में ही है ओके द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम इज वन और सोडियम एटम की वैलेंसी कितनी होती है वन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक देता है

कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एक्स एलिमेंट प्रेजेंटेड बाय ये अब देखो जो मास होता है आपका वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है ठीक है अब ये एक्स एलिमेंट है फिफ्टीन यहाँ पे आएगा और थर्टी वन आपका यहाँ आएगा इन दोनों को माइनस करने पे ए की वैल्यू कितनी है थर्टी वन एन आपको फाइंड करना है और पी की वैल्यू कितनी फिफ्टीन ये फिफ्टीन एटॉमिक नंबर है इसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं और फिफ्टीन जब इधर माइनस करने को आएगा थर्टी वन के साथ तो एंसर आपका सिक्सटीन आएगा ओके ऐसे ही आपको कॉपी में करना है। जो फॉर्मूला बताया है एटॉमिक नंबर मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाई डू आइसोटोप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती हैं आपको बताना है आइसोटॉप हैव सेम एटॉमिक नंबर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर फॉर दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच प्रोवाइड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो आइसोटॉप का सेम एटॉमिक नंबर होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी होगा इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती जैसे क्लोरीन आपको बताया था मैंने सेवनटीन थर्टी फाइव और सेवनटीन 37. दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वैलेंसी कितनी है थ्री है. ओके एक्स की वैलेंसी थ्री प्लस है ठीक है फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट फोस्फाइट के साथ फॉर्मूला बनाना है फोस्फाइड होता है आपका पी ले लो आप इसको ठीक है इसकी वैलेंसी कितनी होती है थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री से थ्री कट गया एक्स पी बचेगा फास्फोरस की वैलेंसी कैसे निकालते हैं फास्फोरस का आइटम नंबर फिफ्टीन होता है तो टू एट टेन और फाइव तो तीन इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो फास्फोरस की वेलेंसी थ्री एक्स की भी थ्री है फोर्सफोरस की भी थ्री है थ्री से थ्री कट गया एक्स भी बचेगा ठीक है सेकेंड पार्ट फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट अब देखो एक्स की वैलेंसी थ्री है पी ओ फोर सॉरी कार्बोनेट का होता है एक्स की वैलेंसी आपकी थ्री कार्बोनेट आयन की वैलेंसी होती है टू ओके okay? तो ये इससे हो जाएगा ये इससे हो जाएगा एक्स तो टू CO3 थ्री तीन बार बन जाएगा ये आपका आंसर आएगा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है जैसे मैंने बोला साथ में क्रॉस करके आप दिखा देना जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एन एलिमेंट जेड फॉर्म्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉस्फोरस तो एक जेड एलिमेंट इन सब के साथ रेट करके कंपाउंड बना रहे हैं नीचे ठीक है वाट इज द वैलेंसी ऑफ जेड अब आप देखो जेड एच है एच की वैलेंसी कितनी है वन और ये बन रहा है आपका जेड एक्स थ्री एच थ्री तो एच थ्री कब बनेगा जब एच जेड के नीचे तीन होगा मतलब जेड की वैलेंसी कितनी होगी थ्री फिर से समझो एक बार हमें बनाना है जेड एच थ्री एच की वैलेंसी वन होती है और हमें जेड एच थ्री बनाना सपोज करो एच की वैलेंसी वन है तो जेड कितना रहा होगा कि एच तो थ्री आ गया जेड तीन रहा होगा ना जब भी तो S3 थ्री आएगा हमारा ठीक है तो जेड की वैलेंसी कितनी होगी थ्री ए पार्ट का आंसर है थ्री क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका पढ़ो एलिमेंट Z इज मेटल और नॉन मेटल Z मेटल है या नॉन मेटल अब Z की वैलेंसी आपकी थ्री है और H की वैलेंसी आपकी वन है ठीक है तो मेटल और नॉन मेटल आपस में रेट करते हैं एलिमेंट Z इज मेटल बिकॉज इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस थ्री है और प्लस थ्री होने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और लूज करने का मतलब है कि ये मेटल है ए, ये मेटल है और नॉन मेटल हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता ही है कभी भी दो मेटल रिएक्ट आपस में नहीं करते हैं एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल ही आपस में रिएक्ट करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एन एलिमेंट एक्स कंटेन सिक्स इलेक्ट्रॉन इन एम सेल के एल एम ओके इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन है ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिक्स एक्स मेटल तो सिक्स अगर यहाँ है तो यहाँ पे कितने एट होने चाहिए थे और फर्स्ट में कितने टू होने चाहिए थे के एल एम यहाँ सिक्स हैं यहाँ एट होंगे जब भी सिक्स पूरा हुआ गया जाके यहाँ टू तो इनको ऐड कर लो पता लग जाएगा आपको सिक्सटीन आएगा आंसर ठीक है अगर यहाँ पे सिक्स है एम में तो एल में तो आठ रहा होगा ना और के में टू रहा होगा टू एट सिक्स तीनों को ऐड करेंगे तो आपको एटोमी नंबर मिल जाएगा अब सेकंड में है एक्स इज़ मेटल ऑन नॉन मेटल अब सिक्स आउट बाहर कितना है सिक्स है तो ये एट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने वाला क्या होता है नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव एन एटम ऑफ लीथियम एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज थ्री ठीक है थ्री होता है मास नंबर कितना होगा मास नंबर इसका सेवन है ठीक है हाउ मेनी प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द लिथियम तो अभी मैंने बताया ए इक्वल टू क्या होता है एन प्लस पी प्रोटोन तो हम थ्री को ही बोलते हैं जो तो प्रोटोन कितना है इसका थ्री है ओके ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आप चलो मास नंबर सेवन है न्यूट्रॉन आपको मालूम नहीं है प्रोटोन कितना है थ्री थ्री सेवन से जब माइनस होगा तो फो फोर आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन ठीक है एन की वैल्यू क्या आएगी फोर आ जाएगी माइनस करके ड्रो डायग्राम ऑफ लिथियम आइटम लीथियम आइटम का आपको डायग्राम बनाना है ठीक है कैसे बनेगा बनाते हैं ये न्यूक्लियस है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन आएगा अगले में ठीक है टू और वन ठीक है ये लीथियम की इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ये अच्छा सा क्वेश्चन है रीड करो अभी से कंप्लीट द टेबल ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द सिम्बल इनको देख के आपको बताना है एलिमेंट्स इसका नाम लिखना है जैसे क्लोरीन ओके यहाँ पे प्रोटॉन कितने जो नीचे लिखे होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं प्रोटॉन भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ प्रोटॉन सेवेंटीन आएगा इसमें प्रोटॉन सिक्स आएगा इसमें प्रोटॉन थर्टी फाइव न्यूट्रॉन इनको माइनस करके ऊपर से नीचे को माइनस कर लो आपका न्यूट्रॉन जाएगा थर्टी फाइव में से एटीन माइनस करोगे सेवनटीन एटीन आएगा ट्वेल्व में से सिक्स माइनस करोगे सिक्स आएगा एट्टी वन में से थर्टी फाइव माइनस करो तो फोर्टी सिक्स आएगा एट्टी वन माइनस थर्टी फाइव ओके तो न्यूट्रॉन ऊपर जो मास लिखा हुआ है और नीचे जो, जो प्रोटॉन दोनों को माइनस करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन द एटम ऑफ एलिमेंट जेड जेड एटम है हमें हाँ पता नहीं एलिमेंट का नाम क्या है फाइव इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है फाइव ठीक है इट रिक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ्रेशन बाई एक्सेप्टिंग नंबर अभी एक्सेप्ट करेगा कितने लेगा एड करने के लिए तीन लेगा वट वुड बी द चार्ज ऑन द अब तीन अगर लेगा तो चार्ज भी उस पर कितना आएगा थ्री माइनस क्योंकि लेने पे चार्ज क्या था माइनस का ठीक है इलेक्ट्रॉन अगर फाइव है आउटर में इसको एड करना तो तीन इलेक्ट्रॉन तो लेने पड़ेंगे ना इसको और लेगा तो तीन माइनस चार्ज आएगा ओके और वही इसकी वैलेंसी होगी और राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच विथ सोडियम आइटम और इसका फॉर्मूला सोडियम के आइटम के साथ लिखना है कैसे लिखेंगे देखिए ये Z है और ये हमारा सोडियम है मेटल को लिखते हैं आगे पहले और एड जेड की वैलेंसी थ्री है सोडियम की होती है वन अब जानते हो एनए थ्री जेड आएगा आंसर ठीक है सोडियम के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा एन ए थ्री जेड क्वेश्चन नंबर एट ए सिक्स एटोमिक नंबर है ऑफ नोबल गैस रेड ऑन हाउ मैनी प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एट द प्रजेंट तो जो एट्टी सिक्स है ये तो आपका प्रोटोन हो गया ओके okay? इसे ही एटोमिन बोलते हो तो यही आपका प्रोटोन है और यही आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एटोमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और एटोमिक नंबर मीन जेड ये आपका यही होता है जिसको हम नीचे लिखते हैं ठीक है एटोम इलेक्ट्रॉन भी है ये प्रोटोन भी है और ये एटोमिक नंबर भी होता है ठीक है और न्यूट्रॉन के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा मास नंबर में से मास नंबर कितना है टू हंड्रेड ट्वेंटी टू उसमें से अगर एट्टी सिक्स को माइनस करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आएगा यह मैं पहले आपको बता चुका हूं यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं यह क्वेश्चन आप देख लो इसे कर लेना खुद राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं यह मैं बता चुका हूं आपको कॉपर की वैलेंसी और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन आयन ब्रोमीन की वैलेंसी वन होती है कॉपर की वैलेंसी टू होती है इनको क्रॉस कर लो तो बी सी यू बी आर टू आएगा ऐसे ये क्वेश्चन आप कर लेना इसको ठीक है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑल द कंपाउंड कैन बी फाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंगस इनको कंबाइन करके कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं हमेशा एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव से फार्मूला बनेगा याद रहना चाहिए आपको तो देखते हैं कॉपर का कितनी वैलेंसी है टू है दूसरा सी एल सी एल पे कितना है वन तो सी यू सी एल टू बनेगा फार्मूला बन गया ऐसे ही एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपका एफ ई थ्री है पीओ थ्री पीओ थ्री के साथ कितना चार्ज आ रहा है माइनस फोर आ रहा है क्रॉस कर लो एफ फोर पीओ थ्री का तीन बार ये आपका फॉर्मूला बनेगा तो ये फॉर्मूले आप बनाना सीख सकते हो आराम से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडस फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग आयंस तो इनसे कौन सा फॉर्मूला बनेगा फिर वही रेटीरटचीज बच्चों मैग्नीशियम की वैलेंसी टू प्लस है सल्फर की टू माइनस है ओके क्रॉस कर लो टू से टू कट गया तो एम जी एस बचेगा ये आप बनाना ईजी है तो ये सभी यही क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हम कै या फिर मास नंबर से कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिकेशन कैसे होता है सो ये आपको अच्छे से समझ लेना है ठीक है और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्युनिशन की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है आप वहाँ पर जाके वीडियोज़ की लिस्ट में देख सकते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चन को करना है नोट करना है और लर्न करना है ओके एक डिफरेंट वीडियो में बनाऊँगा जिसमें सभी जितने हमारे केमिस्ट हैं रदरफोर्ड बोर इन सब के एटॉमिक मॉडल और लिमिटेशन की मैं डिस्कशन करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए होगा जब तक गुड बाय और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिससे आपके साथ वो भी सीख सकें ओके ठीक है